पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा क्या जाहिर की, बिहार की सियासत हिचकोले मारने लगी। दरअसल नीतीश कुमार की उम्र 71 साल हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। नीतीश की बढ़ती उम्र और चुनाव प्रचार के दौरान किए गए आखिरी चुनाव की बात की वजह से नीतीश कुमार की सियासत से सेफ एग्जिट पर चर्चाएं तेज हो गई। और जब नीतीश ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की, उसके बाद लोग मानने लगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनकर नीतीश सियासत से सेफ एग्जिट या सम्मानजनक विदाई चाहते हैं। सियासत के अपने आखिरी दिनों में दिल्ली की सियासत करना चाहते हैं। और जैसे ही नीतीश के दिल्ली जाने की चर्चा तेज हुई, बिहार में बीजेपी का सीएम बनाने की बात भी जोर पकड़ने लगी। चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि 77 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू के सिर्फ 45 विधायक हैं। नीतीश की दिल्ली जाने की इच्छा तो है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि पूरे मामले पर अंतिम फैसला तो बीजेपी और नीतीश कुमार को ही करना है। लेकिन नीतीश की ख्वाहिश पर फिलहाल बीजेपी कंफ्यूज नजर आ रही है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर जहां कह रहे हैं कि नीतीश की इच्छा पूरी होगी और बिहार को बीजेपी का सीएम मिलेगा, वहीं गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अभी तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही रहेंगे। मनसा जाहिर किए तो उनका मनसा पूरा होगा, वो जो चाहेंगे सो होगा। वो अगर मनसा जाहिर किए हैं तो हम लोग उनके विल के साथ हैं, इच्छा के साथ हैं। बिहार में क्या, बिहार में फिर नया हवा बहेगी, नया क्रांति आएगा। कौन बनेगा? अभी तो दिल्ली तय करेगा। आपकी पार्टी का बनेगा? निश्चित रूप से स्वाभाविक है, वो अगर राज्यसभा में चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बनेगा। राज्यसभा जाएंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्या कहेंगे उस पर आप? पता नहीं, जिनको भविष्यवाणी का ज्ञान होगा, एस्ट्रोलॉजर होंगे, वही बोल सकते हैं। ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न राजनीतिक पंडित हूँ। जो है वो यही है कि अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने 2020 के चुनाव में कहा था कि हम NDA पावर में आएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, हमारे अमित शाह जी ने, और अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री बनाया है, अभी वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। बेशक नीतीश के दिल्ली वाले सपने पर गिरिराज सिंह और हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान अलग अलग हो, लेकिन अंतिम फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेना है। खास बात ये कि योगी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी आला कमान के साथ नीतीश का तालमेल भी बेहतर नजर आया। कभी बीजेपी के सामने 90 डिग्री में तनकर खड़े रहने वाले नीतीश योगी के शपथ ग्रहण समारोह में 60 डिग्री तक झुके नजर आए। पीएम मोदी भी सार्वजनिक तौर पर नीतीश को सच्चा समाजवादी नेता बता चुके हैं और उनकी तुलना बड़े समाजवादी नेताओं से कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर नीतीश के सम्मानजनक रिटायरमेंट प्लान पर बीजेपी क्या फैसला करती है। क्या नीतीश को जून जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।